हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में अब तक हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड देयर एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, लाइन इंटीग्रल निकालना सीख चुके हैं और ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई और यूज करना सीख चुके हैं। होपफुली उन टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड हो तो प्लीज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मेरी मेल आईडी mathcommentors@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए, सो दैट मैं उनको कवर करा सकूं वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक सरफेस इंटीग्रल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कंपैरेटिवली टफ है आपके लाइन इंटीग्रल से, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी आपको अटेंटिव होकर इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सरफेस इंटीग्रल आता होगा तभी आप नेक्स्ट टॉपिक्स जो है बचे हुए हमारे स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका एक पार्ट सरफेस इंटीग्रल ही होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एंड 3D सरफेस एस। मुझे दो चीजें गिवन होंगी, एक एफ वेक्टर हमें गिवन होगा और एक 3D सरफेस हमें गिवन होगा, 3D सरफेस एस जिस पे आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। देन सरफेस इंटीग्रल इज गिवन एज एफ वेक्टर डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर s और एफ वेक्टर डॉट n कैप ds। यहां s अपर केस है और यहां s लोअर केस है। तो आपका ये कोई सरफेस है 3D सरफेस s, उसका एक छोटा पार्ट मैंने सब सरफेस ले रखा ds और उस पर एक नॉर्मल वेक्टर है n कैप। क्या मतलब है इनका, आप बात करेंगे थोड़ी देर में। अब ये सरफेस जो है वो 3D सरफेस है, 3D सरफेस होने की वजह से इसका कोई ना कोई कंपोनेंट, इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट x एक्सिस का, x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है। जैसे आपने देखा स्फीयर, अगर आप बात करें सर्कल की तो वो 2D सरफेस है और उसका 3D वर्जन है स्फीयर। अगर आप बात करें स्क्वेयर की तो स्क्वेयर जो है वो 2D फंक्शन है, यानी एक्स और वाई होता है, उसमें सिर्फ दो साइड्स होती हैं। बट जब आप बात करें 3D इक्विवेलेंट की तो क्यूब आता है, तो क्यूब होता है जो जिसमें तीन साइड है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। सिमिलरली रेक्टेंगल, उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है सिर्फ। बात करें क्यूबॉइड की तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है जो उसका 3D वर्जन है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर ध्यान से देखते रहेंगे, अटेंटिव होकर सुनते रहेंगे तो आपको सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस चाहिए इसमें थोड़ी सी ज्यादा। अब एक्चुअली जो सरफेस इंटीग्रल जब हम निकाल लेंगे तो उसमें डबल है आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, या तो आपको विसेक्ट टू एक्स वाई, या विसेक्ट टू वाई जेड, या विसेक्ट टू जेड एक्स आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैक्सिमम बच्चे यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर डबल इंटीग्रेशन ही करनी थी, तो हम डबल इंटीग्रल तो सीख के आए ही हैं, तो डबल इंटीग्रल से अलग कैसे है सरफेस इंटीग्रल। एक्चुअली जब डबल इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हमने किए, चाहे डबल इंटीग्रल के चैप्टर में किए, चाहे हमने लाइन इंटीग्रल में भी डबल, सॉरी ग्रीन्स थ्योरम में भी डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन किए, सब में अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें सारे सरफेसेस जो थे वो 2D सरफेसेस थे। मतलब या तो ट्रायंगल, या स्क्वायर, या रेक्टेंगल, या कोई दो पैराबोला, इस तरह के पैराबोला लाइन, तो वो सारे सर्फेसिस 2D सर्फेसिस होते हैं, उनपे आपने डबल इंटीग्रेशन की थी। बट अगर आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे 3D सर्फेसिस पे तो उसका एक स्पेशल नाम है सरफेस इंटीग्रल। क्लियर हो गया? तो सरफेस इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल में क्या फर्क है? सरफेस इंटीग्रल में आपके पास 3D सरफेसेस आ सकते हैं और डबल इंटीग्रल में सिर्फ आपके पास 2D सरफेस ही आते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अगर आपके पास 2D सरफेस हो तो इट्स वेरी इजी कि आप डबल इंटीग्रेशन कर दें, डबल इंटीग्रल निकाल लें, बट 3D सरफेसेस में आपको उसका सरफेस इंटीग्रल ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी दो एप्लीकेशन होती है, वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसके दो पार्ट है मेनली, एफ वेक्टर तो आपको गिवन होगा ही, सरफेस आपको गिवन होगा। सरफेस से आप एन कैप और डीएस कैसे निकालेंगे
उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि तीन चीजें चाहिए ना सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, एक एफ वेक्टर वो तो गिवन होगा, एन कैप और डीएस, एन कैप और डीएस की वैल्यू हमें पता लगेगी 3D सरफेस से, कैसे पता लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले जस्ट इसकी एप्लीकेशन चेक कर लें, इसकी दो एप्लीकेशन है सरफेस इंटीग्रल की। फर्स्ट है फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, तो किसी भी सरफेस के अक्रॉस किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स अमर्ज हो रहा है विद ए वेलोसिटी एफ वेक्टर, तो सरफेस इंटीग्रल आपकी हेल्प कर सकता है। तो इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल देन टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ एफ वेक्टर अक्रॉस क्लोज सरफेस एस, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स आपको निकालना हो, इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। तो कभी भी आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो अमर्जिंग फ्रॉम द एमर्जिंग फ्रॉम एनी सरफेस, देन सरफेस इंटीग्रल कैन हेल्प यू। ठीक है, क्या होता है फ्लक्स, इसके बारे में डिटेल में जब फ्लक्स के क्वेश्चन आएंगे तो हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल मैं जस्ट इसको ब्रीफ कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो पहली एप्लीकेशन है जब भी फ्लक्स आपको निकालना हो अक्रॉस एनी सरफेस। सेकेंड है सोलोडल वेक्टर, अगर आपको चेक करना हो कि कोई वेक्टर सोलोडल है क्या नहीं, अगर उस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जीरो आए देन एफ वेक्टर इज कॉल्ड एज सोलोडल वेक्टर। सोलोडल वेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको याद होगा कि सोलोडल वेक्टर कैसे चेक करते थे, अगर किसी वेक्टर का डायवर्जेंस अगर जीरो हो तो वो सोलोडल होता है। तो आप चाहे तो डायवर्जेंस चेक कर लीजिए सोलोडल के लिए, या उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लीजिए, दोनों से वो चेक हो जाएगा सोलोडल है या नहीं। जनरली डायवर्जेंस वाला पार्ट आसान है, तो चलो अगर सोलोडल ही आए तो अच्छी बात है, आप डायवर्जेंस ही निकाल लें इंस्टेड ऑफ सरफेस इंटीग्रल निकालने की। अब मेन बात आ गई दो पार्ट की जो बचे हुए इसके, एन कैप और डीएस। तो मुझे मेरे पास जो सरफेस होगा 3D सरफेस, तो 3D सरफेस से एन डीएस कैसे निकालना है, और 3D सरफेस से एन वेक्टर कैसे निकालना है, वो मेन कंसर्न है। ठीक है, तो दो बातें हैं वो आपको क्लियर कर पता होनी चाहिए। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से। मान लेता हूं ये कॉपी ले रहा हूं अपनी, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर ये बात समझ में आई तभी आपको एन कैप और डीएस के लिए फटाफट समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ जो मैं रजिस्टर से करने वाला हूं, तब आपको मुश्किल लगेगी इसको कंसेप्ट को समझने में कि एन कैप कैसे पता लगता है, डीएस कैसे पता लगता है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कोई भी 3D सरफेस है, मान लेते हैं दिस इज द 3D सरफेस, ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई भी है, जेड भी है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, इसके तीन केस आ सकते हैं हमारे पास सरफेस इंटीग्रल के, जितने भी क्वेश्चन है उसमें तीन केसेस आ सकते हैं। या तो जो ये सरफेस है, जो भी सरफेस है, या तो वो मान लेते हैं एक चीज पहले, इससे पहले ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, और इधर जो आप कैमरे की तरफ है दैट इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड कैमरे की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, फिलहाल मैं एक्स और वाई की ही जरूरत करूंगा, यानी यूज करूंगा, कैमरे की तरफ वाली एक्सिस की यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें तो आपको पता है ये कौन सा प्लेन होता है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, इसमें वाई और जेड पार्टिसिपेट कर रहा, तो वाई जेड प्लेन और ये जेड एक्स प्लेन। तो तीन प्लेन होते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, उनके बारे में स्टार्ट करने से पहले आप सरफेस के बारे में समझ लीजिए। एक्चुअली क्या चक्कर है, यहां जो सरफेस इंटीग्रल निकलता है वो निकलता है 3D सरफेसेस का, किसका निकलता है 3D सरफेसेस का। बट जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप डबल इंटीग्रेशन करते हो यहां पे, या तो विसेक टू एक्स वाई इंटीग्रेशन करते हो, या विसेक टू वाई जेड, या विसेक टू जेड एक्स, तीन इधर यानी डबल इंटीग्रेशन होती है, तीन तीन पैरामीटर्स के अलोंग इंटीग्रेशन नहीं होती। दोबारा बता देता हूं, जब भी आप सरफेस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन करने जाओगे, फाइनली लाइन इंटीग्रल में कितने इंटीग्रेशन की थी, सिंगल, या तो विसेक टू एक्स या विसेक टू वाई, सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन होगी, या तो विसेक टू एक्स वाई, या विसेक टू वाई जेड, या विसेक टू जेड एक्स। तो किस के विद रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेशन होगी, दैट विल डिपेंड कि मेरा सरफेस कैसा है। अगर मेरा सरफेस, ध्यान से सुनिएगा, तीन कैटेगरी हो सकती है सरफेस की, या तो मेरा सरफेस किसी प्लेन में, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दिस बोर्ड इज द एक्स वाई प्लेन, या तो मेरा सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर सकता है, देखो इसी में पड़ा है इस टाइम, मेरा जो सरफेस है ये एक्स वाई प्लेन में ही पड़ा है। क्लियर हो गया? दूसरा केस हो सकता है,
मेरा जो प्लेन सरफेस है वो किसी प्लेन के पैरेलल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैरेलल है दोनों, एक्स वाई प्लेन और मेरा सरफेस। पहला, यह तो मेरा सरफेस एक्स वाई प्लेन में पड़ा होगा, यानी किसी प्लेन में पड़ा होगा, एक्स वाई का मतलब एक्स वाई नहीं है, वो कैमरे की तरफ जेड एक्सिस है तो मैं दिखा नहीं सकता उसको, इसलिए मैं एक्स वाई प्लेन का एग्जांपल ले रहा हूं। यह तो मेरा प्लेन सरफेस किसी ना किसी, दो बातें पिक्चर में है, एक है सरफेस एक है प्लेन, दोनों बातें डिफरेंट है। सरफेस जो 3D सरफेस है और प्लेन 2D प्लेन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो दोनों बातों को अलग अलग ध्यान रखना। तो या तो मेरा सरफेस किसी प्लेन में लाई कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर सकता है, वाई जेड प्लेन में लाई कर सकता है, जेड एक्स प्लेन में लाई कर सकता है, क्लियर? तो या तो वो लाई कर रहा है, या दूसरा केस हो सकता है कि मेरा सरफेस किसी प्लेन के पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस टाइम ये जो मेरा सरफेस है ये मेरा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तीसरा, मेरा जो सरफेस है वो किसी भी प्लेन में ना तो लाई कर रहा और ना पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं पीछे भी ले जाऊं तो ना ये तो लाई कर रहा ना इसके पैरेलल है, ना ये वाई जेड, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूं उसको बिल्कुल ऐसे, तो ना ये एक्स वाई प्लेन में इस टाइम लाई कर रहा, ना ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा, ना ये वाई जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा, साथ साथ किस तीनों प्लेन में से किसी प्लेन के पैरेलल भी नहीं है। तो तीन ही केस मिलेंगे सरफेस और प्लेन में, या तो सरफेस लाई करेगा इन एनी प्लेन, या सरफेस किसी प्लेन के पैरेलल होगा, या सरफेस जो है वो ना पैरेलल होगा ना लाई करेगा, क्लियर हो गया? ये मेन तीन बातें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहला केस, या तो लाई इन दैट प्लेन, कोई किसी भी प्लेन में लाई करेगा। दूसरा, पैरेलल टू दैट प्लेन, किसी भी प्लेन के पैरेलल होगा, वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ भी हो सकता है। और तीसरा, वो किसी भी प्लेन के प्रोजेक्ट ना तो पैरेलल है ना लाई करेगा, क्लियर हो गई बात यहां तक? तीन के कैटेगरी आपने बता दी। अब वैल्यू डिपेंड कर, अब बात आती है डीएस की वैल्यू की, डीएस की वैल्यू क्या होती है बच्चे? आपको पता है जो आपका सरफेस है वो 3D सरफेस है, बट आपको जो इंटीग्रेशन करनी है या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स के रिस्पेक्ट करनी है, तो आप सरफेस को एज सच कैरी नहीं कर सकते। कई बार आपको उसको किसी ना किसी प्लेन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, परछाई से काम चलाना पड़ेगा, प्रोजेक्शन मतलब परछाई। तो या तो आप उसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे, या आप उसको वाई जेड प्लेन में, या आप उसको जेड एक्स प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। तो किसी ना किसी प्लेन में उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करते हो, या वाई जेड प्लेन में, या जेड एक्स प्लेन में, प्रोजेक्शन किस में करनी है, इट विल डिपेंड। अगर वो उस प्लेन में लाई कर रहा है तो उसी प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर वो पैरेलल टू एनी प्लेन है तब भी उसी प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। और तीसरा, अगर ना वो पैरेलल है ना वो लाई कर रहा है तो आप किसी भी प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्लियर हो गया? दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहां पे। एक है सरफेस एक है प्लेन। प्लेन 2D है, सरफेस 3D है, ठीक है। सरफेस आपके प्लेन में लाई कर सकता है तो हम उसी प्लेन में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। सरफेस अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तब भी हम उसी प्लेन में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और सरफेस अगर टेढ़ा मेढ़ा है, 3D फिगर है, ना किसी प्लेन में लाई कर रहा ना प्रोजेक्ट कर रहा, तो आपकी मर्जी है उसको आप किस प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अगर लाई कर रहा है तब भी उसी में प्रोजेक्ट करेंगे, पैरेलल है तो पैरेलल टू एनी प्लेन है तब भी उसी में प्रोजेक्ट करेंगे, और अगर ना वो लाई कर रहा ना प्रोजेक्ट कर रहा, सॉरी पैरेलल है तो हम किसी भी प्लेन में उसको प्रोजेक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम उसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो डीएस की वैल्यू आएगी डीएक्स डीवाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। इनका मतलब अभी बात करेंगे, तो होपफुली डीएक्स डीवाई आपको समझ में आ गया, कि एक्स वाई प्लेन में है तो आपकी एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट आएगी। वाई जेड में करेंगे तो डीएस की वैल्यू आएगी डीवाई डीजेड अपॉन एन कैप डॉट आई कैप, और एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो डीएस की वैल्यू आएगी डीएक्स डीजेड अपॉन एन कैप डॉट जे कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एन कैप के बारे में बात करेंगे अभी, के कैप आई कैप और जे कैप क्या है। अब जो एन कैप है बच्चों वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस जिसको प्रोजेक्ट किया, एन कैप है इसका, एन कैप है इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और आई कैप जे कैप और के कैप है इसके जिस प्लेन में आपने प्रोजेक्ट किया। पिक्चर में दो ही चीजें हैं, एक है सरफेस जिसको प्रोजेक्ट करना है, ये कुछ भी हो सकता है, लाई पैरेलल और टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। और दूसरा है प्लेन, ऑब्वियसली वो हमेशा 2D में होगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स,
क्लियर। तो एन कैप किसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, सरफेस का, ठीक है। और आई कैप, जे कैप, के कैप किसके हैं, प्लेन के, जिस प्लेन में आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपने उसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन सा, नॉर्मल एक्सिस कौन सी होती है एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल एक्सिस है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्स वाई के नॉर्मल कौन है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, तो इसलिए यहां के कैप आया। वाई जेड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कौन होगा, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो इसलिए यहां के कैप, आई कैप और जे कैप आया। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर के कैप होता है, वाई जेड के परपेंडिकुलर वेक्टर आपका सरफेस वाई जेड के परपेंडिकुलर होता है एक्स, तो एक्स का नॉर्मल यूनिट वेक्टर आई कैप। एक्स जेड के परपेंडिकुलर होता है वाई, और वाई का नॉर्मल यूनिट वेक्टर जे कैप। तो ये तीनों है नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ प्लेन, प्लेन जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और एन वेक्टर है नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस जिसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। दो बातें, पहली सरफेस, दूसरा प्लेन। पहले तो आपने सरफेस को देखना है कि किस प्लेन में प्रोजेक्ट करना है, या तो एक्स वाई में, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, ठीक है। तो मैंने तीन बातें आपको बताई, अगर कि मेरा सरफेस किसी प्लेन में लाई कर रहा है तो उसी प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर मेरा सरफेस, ठीक है, लाई कर रहा है तो उसी प्लेन में, पैरेलल है तब भी उसी प्लेन में, और टेढ़ा मेढ़ा है तो किसी भी प्लेन में। ये तीन बातें दिमाग में गांठ बांध लो, सो दैट आपको बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी सरफेस इंटीग्रल में। होपफुली ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एन कैप की। एन कैप होता है बच्चे नॉर्मल यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात आउटवर्ड टू द सरफेस, ये तो बता ही दिया मैंने सरफेस क्यों होता, आउटवर्ड का मतलब क्या है हम लेटर ऑन समझेंगे, फिलहाल ज्यादा इस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये एन वेक्टर किसका, एन कैप किसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, थ्री डी सरफेस का। अगेन एन कैप की वैल्यू भी तीन तरीके से निकल सकती है। फर्स्ट, अगर मेरा इफ थ्री डी सरफेस लाई इन एनी प्लेन, अगर वो किसी प्लेन में लाई कर रहा है। दूसरा, इफ थ्री डी सरफेस पैरेलल टू एनी प्लेन, अगर वो किसी प्लेन के पैरेलल है। या इफ थ्री डी सरफेस इज नाइदर लाइंग नोर पैरेलल टू एनी प्लेन, जैसे तीन कैटेगरी मैंने बताई। तो अगर वो लाई कर रहा है जिस प्लेन में, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा सरफेस, मेरा सरफेस इस प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें लाई कर रहा है, तो जो उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा एक्स वाई का, वही तो मेरा भी होगा। तो जो मेरा प्लेन का होगा वही मेरे काम आएगा, वही मैंने कहा। एन कैप क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ दैट प्लेन, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, बल्कि ये यूनिट वर्ड भूल गया मैं यहां पे, तो अगर मेरा सरफेस किसी प्लेन में लाई करेगा तो जो उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वही मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली, अगर मेरा सरफेस किसी प्लेन के पैरेलल होगा तब भी उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर और मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो भी मुझे फटाफट एन कैप की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है के कैप, तो मेरा भी क्या हो जाएगा, के कैप। और प्लस के कैप माइनस के कैप डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली, अगर मेरा सरफेस किसी प्लेन के पैरेलल है और इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है के कैप, तो मेरा भी क्या हो जाएगा, के कैप। क्लियर हो गया। तीसरी बात, मेरा सरफेस ना तो लाई कर रहा ना पैरेलल है किसी प्लेन के, तो आपको पता है मैंने फर्स्ट टॉपिक जो ग्रेडियंट कराया था तो वहां से बताया था कि जो ग्रेडियंट होता है वो आपका देता है नॉर्मल वेक्टर। तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से ही उसको डिवाइड कर दीजिए। तो एन कैप क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ग्रेडियंट, वो आपको पता ही है। तो नीचे वाला तो किसी वजह से लगा, कैप की वजह से। आपको पता है ग्रेडियंट क्या देता है, नॉर्मल वेक्टर। क्लियर हुआ, थोड़ा मुश्किल जरूर है, होपफुली थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची होगी, बट जब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो मेन मतलब है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, दो एप्लीकेशन है वो आपको याद होनी चाहिए।
तीसरा मेन कंसेप्ट क्या है, एक है पिक्चर में 3D सरफेस और एक है पिक्चर में प्लेन, ठीक है, दो दो अलग अलग चीजें पिक्चर में है, एक सरफेस एक प्लेन। सरफेस वो जो 3D हो सकता है और प्लेन वो जिसमें आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं तीन कैटेगरी मैंने बताई, या तो मेरा सरफेस किसी प्लेन में लाई करेगा तो मेरे को एन कैप भी बहुत इजीली मिल जाएगा और वो तो मेरी जाएगा डीएस, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा सरफेस किसी प्लेन के पैरेलल है तब भी मुझे एन कैप बहुत इजीली मिल जाएगा, डीएस में उस डीएस जिस प्लेन के पैरेलल है उसी प्लेन से डीएस मिल जाएगा। और तीसरा है, अगर मेरा जो क्या नाम सरफेस है ना किसी प्लेन के पैरेलल है ना किसी प्लेन में लाई कर रहा, तो आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा एन कैप के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लाई नहीं कर रहा किसी प्लेन में या पैरेलल नहीं है, तो आपकी चॉइस है आप इन तीनों में से कौन सा यूज करते हो, ठीक है। तो एन कैप है सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर और के कैप आई कैप जे कैप है प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा, स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। टफ टॉपिक है, थोड़ा साइन में कंफ्यूजन बरकरार रहती है, बट जब दो चार क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे तो आपके डाउट सारे फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस पे, सरफेस इंटीग्रल पे इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपके डाउट्स ऐसा ऐसा आपके क्लियर हो जाए, ठीक है।